तुई महला पांचवा। कर्म धर्म पाखंड जो दीसै तिन जम जागति लूटै। कर्म धर्म पाखंड जो दीसै तिन जम जागति लूटै। ये पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की रब्बी वाणी है। वो इसमें रूहानियत का निचोड़ पेश कर रहे हैं। जब भी ऐसी प्रभु रूप हस्तियाँ आती हैं, वो देखती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ आने का एक ही ध्येय होता है, और वो ये कि जो आत्माएं प्रभु से बिछड़ी हुई हैं उन्हें प्रभु से वापस मिला। क्योंकि जन्म मरण दोहों में नाहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन हर्षो लायन मिलाए। वो जिया दान दे के हमारी आत्माओं को प्रभु से मिलाने के लिए यहाँ। और भाई नंदलाल ने भी कहा है कि मुर्शदे कामल इलाजे दिल खुनद और इन इलाजे दिल बदिल हासिल छो। कि जो पूर्ण सतगुरु होता है वो हमारे दिलों का, हमारी आत्माओं का इलाज करता है। और ये जो इलाज है ये तभी होता है जब दिल से दिल तक, आँखों से आँखों तक और रूह से रूह तक गुरु में और शिष्य में रास्ता बन जाए। तो चूँकि उनका मकसद जो होता है वो ये होता है कि हमारी आत्मा प्रभु से मिल जाए, वो देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हम में क्या कमी है, वो कौन सी रुकावट है जो हमारे और प्रभु के दरमियान। अब ये फरमा रहे हैं कि आम तौर से बचपन से ही हमें क्या समझाया जाता है, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गिरजे में जाओ, वहाँ जितनी भी रस्में हैं अपने अपने मज़हब के लिहाज से, उन सब रस्मों को पूरा करो और जो भी अपना ग्रंथ है, जो भी तबी ग्रंथ है उसका पाठ करो। अब वो ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप मुक्ति चाहते हो तो ये जो बाहर की चीज़ें हैं, जो एक्सोटेरिक नॉलेज है, उससे प्रभु नहीं मिल सकता। हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, दान देते हैं, ज़कात देते हैं और बाकी जितनी भी रस्में हैं हम सारी की सारी करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हम सूर्य को पानी जाम से देते हैं और हर चार किस्म के जो बाहरी कर्म हैं वो सब करते हैं, मगर वो बड़ी बेखौफी से ये बयान कर रहे हैं कि ये जितनी चीज़ें हैं इनकी अपनी तो कीमत है कि ये रूहानियत का शौक पैदा करते हैं, मगर असल में ये सब पाखंड हैं। अब पाखंड हम सब जानते हैं इसके मानी कि जो हमारा मकसद है, जो हमारा मुद्दा है, पा खंड, उसके रास्ते में जो चीज़ भी हायल होती है वो पाखंड। पर हम रोज देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कैमोफ्लेज है। हम अपने आप को अपनी सही हालत में
पेश नहीं करना चाहते। मैं कितना भी बड़ा गुनाहगार हूँ, मगर मैं यही चाहूँगा कि लोग ये समझे कि मैं बड़ा पाक हूँ, पाकीज़ा हूँ, मेरा जीवन बड़ा पवित्र है, सच्चा सच्चा। इसी तरह से दुनिया के हर काम में, बच्चे से भी हम बात करते हैं तो कई दफ़ा हम झूठ बोल जाते हैं, और बच्चा हमें पकड़ लेता है, और जब वो ये देखता है कि हम दो चार झूठ बोलते हैं तो हमारी इज्जत करनी बंद कर देते। दुनिया में देख लीजिए, हम मुख्तलिफ स्टेज में जाते हैं, और जिस स्टेज में जाते हैं उसी के मुताबिक हम अपना व्याख्यान करते हैं, लेक्चर करते हैं। सोसाइटी में हम हैं तो हम और हैं, सोशल लाइफ में हम अपने आप को और रखाते हैं, और इसी तरह से अपनी जो घरेलू लाइफ है उसमें हम अपना जो किरदार है वो मुख्तलिफ होता है। और इसलिए ये कहा गया है कि वी हैव मैनी फेसेस एंड वी पुट देम ऑन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस। हमारे पास शेर का भी चेहरा है, बंदर का भी चेहरा है। जब चाहते हैं शेर का चेहरा लगा लेते हैं, जब चाहते हैं बंदर का लगा लेते हैं, जब चाहते हैं हम जयकाल का चेहरा लगा लेते हैं। हम अपने आप को वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू रिवील आवर सेल्फ इन अ ट्रू कलर, यू नो आवर लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कैमोफ्लेज। कि हम अपने आप को असली रूप में पेश नहीं करते। हमारा जो जिंदगी है ये चेहरे बदलने की ये कहानी है, कभी कोई चेहरा लगा लिया, कभी कोई चेहरा लगा लिया। अब सुनिए बड़े प्यार से कि पंचम पातशाह जितने भी आज तक हमारे शहीद हुए हैं उन सबके सरताज, वो हस्ती जिन्होंने डेमोक्रेसी एंड रिलीजन का सबसे पहला तजर्बा किया, श्री गुरु ग्रंथ साहब को तरतीब देते वक्त, क्योंकि उसमें उन्होंने जितने भी मजहब थे उनके जितने संत थे, अब तकरीबन 400 साल तक हिंदुस्तान में उन सब की बानियाँ करती थी, जो उनकी बानी है। एक एक लफ्ज जो है वो दिल और दिमाग और रूह में उतरने के काबिल है। अब प्यार से सुनिए क्या फरमाते हैं। कर्म धर्म पाखंड जो दीस तिन जम जागते लूट। अब ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कर्म और धर्म। अब कर्म क्या होता है? जो एक इंडिविजुअल का एक्शन है, जो व्यक्तिगत काम हम करते हैं वो तो है कर्म, और जो हम कलेक्टिव काम करते हैं, सब मिलके काम करते हैं, वो है धर्म। मगर कर्म और धर्म दोनों एक्सोटेरिक हैं, ये बाहर की चीज़ें हैं, ये अंतर की रूहानी जो बख्शिश है वो नहीं है। अब कहते हैं कि हम सब मिलके इतने माबुद गायें बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, ये सब मुबारक है। हम सब ग्रंथों का मुतालिया करते हैं, वो भी मुबारक है। मगर जो प्रभु के दीवाने होते हैं वो कहते हैं भाई ये तो सब ठीक है, मगर जो हमारी गर्ज है वो ये है कि इसमें जो सच्चाई बयान की गई है, जिस नेमत का इन ग्रंथों में जिक्र किया गया है, हमें तो वो नेमत चाहिए, हमें तो वही खूबियाँ चाहिए, वही अपना तजर्बा चाहिए कि जिसके मुतलक हमारे ग्रंथ के ग्रंथ पढ़े हुए। तो यही कहते हैं कि हम सब कर्मों और धर्मों में फंसे हुए हैं, हम अपराविद्या में फंसे हुए हैं। अपराविद्या के जितने साधन हैं वो एक बेस तो हमारा बनाते हैं,
एथिकल लाइफ का, सदाचारी जीवन का एक बेस तो बनाते हैं, मगर अंतर में जिसके हम तल्लक कुर्बानी कहती है शुर्त और जोत, उसका हमें तजुर्बा नहीं देते। तब यही फरमा रहे हैं कि बाहर के जितने भी रस्म व रिवाज हैं, पढ़ना है, जितने भी अपरा विद्या के साधन हैं, उनसे हमारी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ध्येय है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, ये पूरा नहीं होता। क्योंकि सब धर्म यही मानते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, क्राउन ऑफ क्रिएशन है, नन्नी देह है, क्योंकि इसी में आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। अब जो कहते हैं कि इसे ज़ाया मत करो, ये ज़ाया करने की चीज़ नहीं है। इसका एक एक क्षण जो है वो बड़ा कीमती है, उसे असली रास्ते में लगाओ, उसे प्राविद्या में लगाओ, प्रभु का तजुर्बा करने में मिलाओ, उसे ये बाढ़ की जो चीज़ें हैं इनमें खर्च नहीं करो। कर्म धर्म पाखंड जो दीस तिन जम जागते लूट। यह बता रहे हैं कि हम जब भी अपराविद्या के साधन करते हैं तो इसमें हम दो किस्म के कर्म करते हैं, एक बद कर्म और एक नेक कर्म। कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्म, कुछ नेक अमाल और कुछ बद अमाल। मगर ये गीता में आया है कि नेक और बद अमाल दोनों ही हमारी आत्मा को बांधने वाले हैं। ये दोनों ही ऐसे हैं जैसे कि सोने की हथकड़ी हो या लोहे की हथकड़ी हो। क्योंकि अगर हम बद कर्म करेंगे तो अवश्य जब इस जिस्म को छोड़ेंगे, और गुरु कोई गुरु किसी से हमने अगर दीक्षा नहीं ली होगी तो हम नरकों में जाएंगे। और हमारा ये यकीन होता है कि जब हम नेक कर्म करेंगे तो हम अवश्य जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। अब उसकी भी हकीकत खोल रहे हैं गुरबानी में, बहुत जगह कम जगह ये हकीकत खोली जा रही है। ये पुराणों में आया है कि जब आत्मा हमारे जिस्म को छोड़ती है तो वो जब जमदूत से लेने के लिए आते हैं और धर्मराय के पास ले जाते हैं तो वहाँ इसकी ऐसी हालत होती है जैसी इस जहान में होती है। इसे भूख भी लगती है, इसे प्यास भी लगती है, और भी जितनी चीज़ें हैं ये सब इसे तंग करती हैं। तो अब क्या होता है कि इसे बड़ी सख्त भूख लगी, तो वो जो वसूल करने वाला जो मुकर्रर किया होता है धर्मराय ने, वो जो इसके साथ ले जाने वाले जमदूत होते हैं, वो कहते हैं कि हम खाना तो तुम्हें देंगे, रोटी तो देंगे, मगर फलां जो नेक काम तुमने किया है उस काम का फल हमें। अब देखिए कि हमें कितने बड़ा जो भ्रम है, ये बहुत कम किसी महापुरुष ने खोला है। हम ये करते हैं कि नेक काम करो और स्वर्ग में चले जाओ। अब हमें यह पता नहीं है कि हम जो नेक काम करेंगे वो भी रास्ते में डाकू हैं जो लूट लूंगे। तो वो यही बताया गया है प्राणों में कि जब हम अपने जग के बाद, मृत्यु के बाद जाते हैं तो जो जो जमदूत हैं ये अपना टैक्स वसूल करते हैं हमको। अब हमें प्रतिशत प्यास लगी, तड़पते हैं प्यास से, वो कहते हैं कि फलां जो ने एक काम किया था उसका हमें ले दो, इसके बदले हम देंगे पानी। अब मटला क्या ना करता, वो भी हमने दे देते हैं।
इसी तरह से गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, और उसका नतीजा ये होता है कि जब तक हम धर्मराय के पास पहुँचते हैं, हमने जो नए काम किए होते हैं उसका भी फल हम दे चुके होते हैं वो। और ये जो हमारा ख्वाब है, ये वहम है, जो एक ये एक जो गुमान है, ये गलत जो तसव्वुर है हमारा कि हम अगर ये दुनिया में नेक काम करेंगे तो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, इसका हमने जो आईना बना रखा है वो चकनाचूर हो जाता है। ये बता रहे हैं भाई देखो, अमलों की तरफ बाहरी जो अमल हैं, अमलों से इनकी मुराद बाहरी जो अमल हैं, जो अपना विद्या के साधन हैं, उन पे भरोसा नहीं करो, वो काफ़ी नहीं है हमें मुक्ति देने के लिए। और ये जो हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, इसके लिए भी कोई हमें छोटी नहीं है, क्योंकि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो रास्ते में जो वसूल देने वाले होते हैं वो अपनी वसूली कर लेते हैं। और जब हम धर्मराय के सामने पहुँचते हैं तो हमारे बदकर्म तो जो उनकी खाते में लिखे होते हैं वो लिखे ही होते हैं, जो नए कर्म होते हैं उनमें से बहुत से स्क्रैच हो जाते हैं, क्योंकि रास्ते में हम उनका फल लेते हैं। और क्या नतीजा होता है, वहाँ भी हमें दुख मिलता है। और ये जो हम नए काम करते हैं ये भी हमें पूरा फायदा नहीं हो जाता, तो इसलिए कहते हैं कि ये कर्म चाहे वो नेक है चाहे वो बद है, जैसा कि महाराज कृष्ण ने फरमाया है, उन दोनों ही हमारे बांधने के लिए एक सीजन जी ने, देखिए बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि आपने अगर प्रभु को पाना है तो आप किसी महापुरुष के चरणों में जाइए जो आपको अपर विद्या से प्राविद्या की तरफ ले चले, असत्य से सत्य की तरफ ले चले, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चले। कितनी खूबसूरती से और कितने थोड़े से लफ्जों में कितनी बड़ी हकीकत बयान कर दी है, ऐसी हकीकत कि जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। कहीं जाइए, किसी समाज में जाइए, कहेंगे भाई नेक काम करो, नेक काम से आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब किस हकीकत को किस अच्छे अंदाज से, अछूते अंदाज से पेश कर रहे हैं कि ये जो कर्म हैं इनसे मुक्ति नहीं, मुक्ति होगी तो वो नाम से होगी, जो किसी वर्ड मेड फ्लैश, किसी जीते जागते प्रभु की देन। फिर पर कर्म धर्म पाखंड जो दीस तिन जम जागति लूट, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमख सिमरत जेत छूट। अब ये बताते हैं कि जब ऐसी हालत है तो हमारे लिए क्या कोई निजात का रास्ता भी है, मुक्ति का रास्ता भी है, तो उसका खुद ही जवाब देते हैं कि आप निर्वाण कीर्तन करो। अब हमारे अधूरे पुनूत संत कृपाल सिंह महाराज फरमाया करते थे कि हर वाणी में हर पुस्तक में जो इस्तलाहात दी जाती हैं उनके माने दिया जा रहा है। अब ये कहते हैं कीर्तन, कीर्तन के मानी हैं श्रुति, बाहर का कीर्तन भी मुबारक है। क्यों? क्योंकि हमें ये बाहर का जो कीर्तन है ये शौक पैदा करता है कि हम अंतर का कीर्तन दें। गुरबानी में एक सच्चे सिख की तारीफ की हुई है कि सच्चा सिख वो है जो सुबह अमृत वेले उठे, नाम को ध्याए
तो यही तो उसे नाम को ध्याना कहा है, वही बात अब सच्चे बादशाह में बता रहे कि हम बाहर का कीर्तन करें, ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि उनसे शौक पैदा होता है। अब जी जितना भी ग्रंथों में जो भी बयान किया गया है, ये प्रभु की तारीफ की गई है। प्रभु जब इंसानी जामे में आता है, सतगुरु के फॉर्म में, उसकी तारीफ की गई है और नाम की तारीफ की गई है, जिसके जरिए से हमें मुक्ति मिलती है हमेशा। अब अपना अपना अंदाज है। वारफ्तगी के आलम में एक सूफी कहता है कि आए शेख, तू इन किताबों को बंद कर दे और जो हकीकत इन किताबों में बयान की गई है उसका मुझे तजर्बा दे। इसी तरह से हजरत बुल्ले शाह के जीवन का एक वाक्या है कि वो जब अनायत शाह के पास पहुँचे और उन्हें दौलत मिली अंदरूनी, और जब उन्होंने जिंदा जावेद हस्ती की तारीफ करनी शुरू की तो उनके शहर के जितने भी मौलाना थे, कादी थे, वो सब इकट्ठे होकर उनके पास आए ताकि उन्हें समझा सकें, बुझा सकें। मगर बात यही है कि नहीं है ये आसान, यारों से कह दो, समझ लीजिएगा तो समझाइएगा। और हजरत बुल्ले शाह ने क्या किया कि जितने धर्म ग्रंथ उसने पढ़े थे वो सब चार हिस्सों में बांट के लाइन लगा दी और उसके ऊपर रख दिया पलंग। चारों पलंग के जो पावे थे उसके नीचे सब किताबें रख दी और उस पर चढ़ के खुद बैठ गए। अब जब वहाँ काजी आए तो उनके तो आग बगोला हो गए, ये क्या किया तुमने। कहने लगे यार फिर बात बाकी करेंगे, मैं तो पहले एक छोटी सी बात का जवाब दे लो, उसके बाद आप जो कहेंगे, जो दंड देंगे, मैं वही सहूँ, आप खुद जो फैसला करेंगे मैं मानूंगा। उन्होंने कहा अच्छा भाई कह लो। कहने लगे देखिए, अगर आपके दोस्त हों, मित्र हों, जिसे अपने अजान से भी अजीज समझते हों, अगर आपको वो कुछ देने के लिए इकरार कर दें और वो इकरार फिर फट जाए, वादा होता चला जाए कि देंगे देंगे देंगे, और वो दे नहीं, तो ऐसे दोस्त को आप क्या कहेंगे। कहने लगे वो तो बेवफा कहेंगे, तो ये किताब पे सब बेवफा, ये सारी उम्र मुझे ये वादा करती रही हैं कि प्रभु मिलता है, ज्योति इतनी अच्छी है, अंदर की राग रागनियाँ इतनी सुरीली, नाम का जो महारस है वो बाहर के सब रस उसके मुकाबले में फीके पड़ जाते हैं। ये मुझे जोश देती नहीं है, ये इकरार करती नहीं है, वादा देती नहीं है, मगर ये वादा है फर्जा जैसे कहते हैं, ये रोज़ कल 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 के बाद हमें टाल देती है। ये ऐसी हालत है कि वादा है दोस्त कुछ नहीं, एक मसलसल आरजू, रात गुजर गई तो फिर रात का इंतज़ार कर। तो ये आलम रहा है इनका, अब बताओ आप ही कि आप क्या कहेंगे। तो और फिर उनसे पूछा कि आपने कभी नूरे खुदा को देखा है, आपने कभी बांगे आसमानी सुनी है। वो बेचारे जितने आए थे खामोश हो। तो यही बता रहे हैं कि हमारे जो कर्म हैं और धर्म हैं, ये जो अपराविद्या के साधन हैं, यात्रा है, तीर्थ है, पुण्य है, दान है, पढ़ना है, रोज़ा है, ज़कात है, ये एक हद तक तो ठीक हैं कि हमारा शौक बन जाए, मगर ये हमें वो तजुर्बा नहीं देते जिसका जिक्र हमारी वाणियों में फिर पड़ता। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमख सिमरत जेत छूट। अब ये कहते हैं कि इसका क्या इलाज है, हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, निजात कैसे पा सकते हैं।
प्रभु से कैसे मिल सकते हैं, खुशनासी और खुदाशनासी के मरहले कैसे तय कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है कि जो निर्वाण कीर्तन है उसके हम सुनने वाले बन जाएं। यहाँ भी गुरबानी में कीर्तन आया है, उसका मतलब यह है श्रुति शब्द। वो शब्द चूंकि कहते हैं कि जब प्रभु ने यह सृष्टि रची तो दो सूरतें इख्तियार की, एक श्रुति की और एक ज्योति की, एक नूरे खुदा की, एक बांगे आसमानी की, एक लाइट ऑफ गॉड की, दूसरी म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स की। और इसी को जो मुख्तलिफ धर्म वाले हैं वो अलहदा अलहदा लफ्ज़ों से पुकारते हैं। वेदों में नात कहा गया है, श्रुति कहा गया है, निष्ठों में उद्गीत कहा गया है, सेंट पॉल इसे वर्ड कहता है, द्रेस्टन इसे सुरुषा कहते हैं और कुर्बानी इसे शब्द कहती है, कीर्तन कहती है, अमृत कहती है। और फिर कैसा शब्द? निर्वाण शब्द, वो शब्द जो तीन गुण अतीत है, तीन गुणों से ऊपर शब्द जो है। पहले है अनहद शब्द। अनहद शब्द जो है जिसका मतलब है अनस्टक मेलोडी, वो हमें त्रिकुटी तक ले जाता है, क्योंकि ब्रह्म विष्णु महेश ये सब ब्रह्म के ही बनाए हुए हैं। उसके बाद जो हमें पार ब्रह्म तक ले जाता है उसे हम सार शब्द कहते हैं, और जो हमें सार शब्द से ऊपर ले जाता है उसे सत शब्द कहते हैं। तो अब ये निर्वाण की बात कर रहे हैं। निर्वाण वो है जो तीन गुणों से परे है। अब वो जो कीर्तन है जो जिस्मो जिस्मानियत से हम ऊपर चले आएं, अपने गुरु के दर्शन करें, उसमें लीन हो जाएं, उसके बाद त्रिकुटी में पहुँचें, तीसरे द्वार से हम निकलें, हम अमृतसर में स्नान करें, और उसके बाद का जो कीर्तन है वो जो कीर्तन है वो हम सुनें। फिर पढ़ो निर्वाण कीर्तन गाओ करते का। अब ये कहते हैं कि प्रभु का वो जो निर्वाण कीर्तन है, त्रिगुण अतीत होना जिसे कहते हैं, कि वो कीर्तन हर वक्त सुनो और उसका गुणगान करो। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमख सिमरत जेत छूट। अब ये कहते हैं कि जिसे वो दौलत थोड़ी सी भी मिल जाए वो जो है वो हमेशा के लिए छूट जाता है, हमेशा के लिए उसकी मुक्ति हो जाती है, हमेशा की खुशी, हमेशा की सुशादी से मिल जाती है। अब पहले तो ये बताया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अगर हम जाते हैं कि प्रभु से मिलें तो जीवन कैसा बनाए। दूसरा ये कहते हैं कि ये जितने बाहर के अपराविद्या के साधन हैं उनसे हमें प्रभु नहीं मिल सकता, आत्मा परमात्मा का मिलाप नहीं हो सकता। वो मिलाप हो सकता है तो वो अंतर में जो हरि कीर्तन हर वक्त हो रहा है उसके सुनने से हो जाता है। और उसके लिए जो आदमी थोड़ा सा भी ऐसी बड़ी नेमत को थोड़ी सी भी हासिल कर ले वो मुक्त हो जाता है। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमख सिमरत जेत छूट। संतो सागर पार उतरे ये संतो सागर पार उतरे ये। अब अलानान वो कहते हैं, बड़े जोर से फरमा रहे हैं कि अगर आप मुक्ति चाहते हैं, अगर आप प्रभु से एकमिक होना चाहते हैं तो किसी सतगुरु
के चरणों में पहुंचो, किसी मुर्शिद कामल के चरणों में, और उसकी देन से ही आप मुक्त हो सकते हैं। उनकी जो देन है नाम की, उसी के जरिए ही आप काल के चक्र से बच सकते हैं, 84 लाख जियाजूम से बच सकते हैं, और धर्म राय के पास फिर आपका लेखा नहीं रहता। क्योंकि जब गुरु नाम देता है तो जो लेखा है हमारे अमाल का, वो गुरु के पास आ जाता है। वैसे हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि हर वक्त हमारे कंधों पे एक एक फरिश्ता बैठा है। एक फरिश्ता जो हम अच्छे काम करते हैं वो रिकॉर्ड करता जाता है, दूसरा फरिश्ता जो बुरे काम करते हैं वो रिकॉर्ड करता जाता है। और अच्छे कामों का हमने हश्र देख लिया, अगर सतगुरु की छतर है या नहीं है तो वो रास्ते में जो जमदूत आते हैं वही हमको लूट लेते हैं, जो हमने अच्छे काम किया वो। मगर जिसको नाम की दौलत मिलती है उसका ना तो संबंध रहता है धर्म राय से, ना उसका संबंध रहता है जमदूत से। वो तो प्रभु से उसका वास्ता होता है, और प्रभु पहले जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आता है, जीते जी मरने की विद्या सिखाता है, ज्योति और श्रुति का तजुर्बा देता है, डायरेक्ट लिंक देता है, और फिर अंतर में ले जाकर तारा चांद और सूर्य से गुजर कर गुरु के दर्शन कराता है और अनहर शब्द सुनाता है। उसके बाद फिर 60 शब्द सुनाता है, फिर 60 शब्द सुनाता है, और आखिर में हमारी आत्मा प्रभु में लीन प्राप्त। संतो सागर पार उतरे ये, संतो सागर पार उतरे ये। ये जो सागर है दुनिया का, वो सागर जिसमें जैसा कि ख्वाजा हाफिज ने कहा है, अंधेरी रात है, तूफान बरपा है, कश्ती डगमगा रही है, रास्ते में चट्टाने हैं, रास्ते में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और समुंदर के जानवर हैं, किनारा हमें दिखाई नहीं देता, हम क्या करें, हमें कुछ पता नहीं चलता। ऋषि का जवाब भाई नंदलाल गोया ने किया है कि अगर समुंदर में तूफान है तो तुझे क्या, अगर वहाँ गर्दाब हैं घुमन फेरी जिसे कहते हैं तो उससे तेरा क्या तल्लक है, अगर अंधेरी रात है तो तेरे लिए बेमानी है, अगर मगरमच्छ हैं तो तू क्यों डरता है। अरे तूने तो नाम दे रखा है, तेरा तो मुर्शिद है, तो अपने मुर्शिद की आंखों में एक देखता चला जा और इन सब चीज़ों से चला कोई सरोकार। अब यही बता रहे हैं कि जिसने पाया है, जो इस भवसागर से पार गया है, वो अपने गुरु की रहमत से, अपने गुरु की नज़र करम से, अपने गुरु के नाम की दौलत से ही किया है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु के प्रेम के जरिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के जरिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा,
आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं आँखों के डेलें सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा, और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।